एकादशः कृत्य निरूपण मृत सैयादान गौदान घटदान अष्ट महादान वृषोत्सर्ग मध्यम षोडशी उत्तम षोडशी एवं नारायण बलि। गरुड़ जी ने कहा, हे सुरेश्वर, ग्यारहवें दिन के कृत्य विधान को भी बताइए और हे जगदीश्वर, वृषोत्सर्ग की विधि भी बताइए। श्री भगवान ने कहा, ग्यारहवें दिन प्रातः काल ही जलाशय पर जाकर प्रयत्न पूर्वक सभी औरदेहिक क्रिया करनी चाहिए। वेद और शास्त्रों का अभ्यास करने वाले ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और हाथ जोड़कर नमस्कार करके उनसे प्रेत की मुक्ति के लिए प्रार्थना करें। आचार्य भी स्नान संध्या आदि करके पवित्र हो जाएं और ग्यारहवें दिन के लिए उचित कृत्यों का विधिवत विधान करें। 10 दिन तक मृतक के नाम गोत्र का उच्चारण मंत्र उच्चारण के बिना करना चाहिए। 11वें दिन प्रेत का पिंडदान मंत्रों सहित करना चाहिए। हे गरुड़, सुवर्ण से विष्णु की, रजत से ब्रह्मा की, ताम्र से रुद्र की और लौह से यम की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम भाग में गंगाजल से परिपूर्ण विष्णु कलश स्थापित करके उसके ऊपर पीत वस्त्र से वेष्टित विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध और जल से भरा ब्रह्म कलश स्थापित करके उस पर श्वेत वस्त्र से वेष्टित ब्रह्मा की स्थापना करें। उत्तर की दिशा में मधु और घृत से परिपूर्ण रुद्र कुंभ की स्थापना करके रक्त वेष्टित श्री रुद्र की प्रतिमा को उस पर स्थापित करें। दक्षिण दिशा में इंद्रोदक वर्षा के जल से परिपूर्ण यम घट की स्थापना करें और काले वस्त्र से वेष्टित करके उस पर यम की प्रतिमा स्थापित करें। उनके मध्य में एक मंडल बनाकर उस पर पुत्र कुश से निर्मित कुशमयी प्रेत की प्रतिमा स्थापित करें और दक्षिणाभिमुख एवं अपसव्य होकर तर्पण करें। विष्णु ब्रह्मा शिव और धर्मराज यम का वेद मंत्रों से तर्पण करें। तब होम करने के अनंतर श्राद्ध और 10 घट आदि का दान करें। तदंतर पितरों को तारने के लिए गोदान करें। गोदान के समय, हे माधव, यह गौ मेरे द्वारा आपकी प्रसन्नता के लिए दी जा रही है, इस गौदान से आप प्रसन्न हुए, ऐसा कहें। प्रेत के द्वारा उपयुक्त आभूषण वस्त्र वाहन तथा घृतपूर्ण काश्य पात्र सप्तधान्य और प्रेत के प्रिय लगने वाली वस्तुएं एवं तिल आदि अष्ट महादान जो अंतकाल में न किए जा सके हों, शैया के समीप रखकर शैया के साथ इन सबका भी दान करें। ब्राह्मण के चरणों को धोकर वस्त्र आदि से उनकी पूजा करें और मोदक पुआ दूध आदि पकवान उन्हें प्रदान करें। तब पुत्र शैया के ऊपर प्रेत की स्वर्णमयी प्रतिमा कांचन पुरुष को स्थापित करें और उसकी पूजा करके यथाविधि मृत शैया का दान करें। शैया दान के समय इस मंत्र को पढ़ें। हे विप्र, प्रेत की प्रतिमा से युक्त और सभी प्रकार के उपकरणों से समन्वित यह प्रेत शैया मृत शैया मैंने आपको निवेदित की है। इस प्रकार पढ़कर कुटुंबी ब्राह्मण आचार्य को वह शैया प्रदान करनी चाहिए। इसके बाद प्रदक्षिणा और प्रणाम करके विसर्जन करना चाहिए। इस प्रकार शैयादान नवक आदि श्राद्ध और वृषोत्सर्ग का विधान करने से प्रेत परम गति को प्राप्त होता है। 11वें दिन विधिपूर्वक हीन अंग वाले रोगी अत्यंत छोटे बछड़े को छोड़कर सभी शुभ लक्षणों से युक्त वृष का विधिपूर्वक उत्सर्ग वृषोत्सर्ग करना चाहिए। ब्राह्मण के उद्देश्य से लाल आंख वाले पिंगल वर्ण वाले लाल सींग लाल गला और लाल खुर वाले सफेद पेट तथा काली पीठ वाले वृषभ का उत्सर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय के लिए चिकना और रक्त वर्ण वाला, वैश्य के लिए पीत वर्ण वाला और शूद्र के लिए कृष्ण वर्ण का वृषभ वृषोत्सर्ग के लिए प्रशस्त माना जाता है। जिस वृषभ का सर्वांग पिंगल वर्ण का हो तथा पूंछ और पैर सफेद हो, वह पिंगल वर्ण का वृषभ पितरों की प्रसन्नता बढ़ाने वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जिस वृषभ के पैर मुख और पूंछ श्वेत हो तथा शेष शरीर लाख के समान वर्ण का हो, वह नील वृष कहा जाता है। जो वृषभ रक्त वर्ण का हो तथा जिसका मुख और पूंछ पांडुर वर्ण का हो तथा खुर और सींग पिंगल वर्ण के हों,
उसे रक्त नील वृष कहते हैं। जिस सांड के समस्त अंग एक रंग के हों और पूंछ तथा खुर पिंगल वर्ण का हो उसे नील पिंग कहा गया है। वह पूर्वजों का उद्धार करने वाला होता है। जो कबूतर के समान रंग वाला हो, जिसके ललाट पर तिलक से आकृति हो और सर्वांग सुंदर हो, वह बभ्रू नील वृषभ कहा जाता है। जिसका संपूर्ण शरीर नील वर्ण का हो और दोनों नेत्र रक्त वर्ण के हों उसे महानील वृषभ कहते हैं। इस प्रकार नील वृषभ 5 प्रकार के होते हैं। वृष का संस्कार करके उसे अवश्य मुक्त कर देना चाहिए, घर में नहीं रखना चाहिए। इसी विषय में लोक में एक पुरानी गाथा प्रचलित है। बहुत से पुत्रों की कामना करनी चाहिए ताकि उनमें से कोई एक गया जाए अथवा गौरी कन्या का विवाह कन्यादान करे या नील वृष का उत्सर्ग करे। जो पुत्र विषोत्सर्ग करता है और गया में श्राद्ध करता है वही पुत्र है, अन्य पुत्र विष्टा के समान है। जिसके जो कोई पूर्वज रौरव आदि नरकों में यातना पा रहे हों, 21 पीढ़ी के पुरुषों से सहित वृषोत्सर्ग करने वाला पुत्र उनको तार देता है। स्वर्ग में गए हुए पितर भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग की कामना करते हैं। हमारे वंश में कोई पुत्र होगा जो वृषोत्सर्ग करेगा, उसके द्वारा किए गए वृषोत्सर्ग से हम सब परम गति को प्राप्त होंगे। हम लोगों को सभी यज्ञों में श्रेष्ठ वृष यज्ञ वृषोत्सर्ग मोक्ष देने वाला है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए यथोक्त विधान से सभी प्रयत्न पूर्वक वृष यज्ञ वृषोत्सर्ग करना चाहिए। वृषोत्सर्ग करने वाला ग्रहों के तद्दत्त मंत्रों से स्थापना और पूजा करके होम करे तथा शास्त्र अनुसार वृषभ की माता गौओं की पूजा करे। बछड़ा और बछड़ी को ले जाकर उन्हें कंकण बांधे और वैवाहिक विधान की विधि के अनुसार स्तंभ में उन्हें बांध दे। फिर बछड़ा और बछड़ी को रुद्र कुंभ के जल से स्नान कराए, गंध और माल्य से सम्यक पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करे। तदंतर वृष के दक्षिण भाग में त्रिशूल और वाम पार्श्व में चक्र चिन्हित करे। तब उसे छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पुत्र इस मंत्र को पढ़े। पूर्व काल में ब्रह्मा के द्वारा निर्मित तुम वृष रूपी धर्म हो, तुम्हारे उत्सर्ग करने से तुम भवसागर से पार लगाओ। इस मंत्र से नमस्कार करके बछड़ा और बछड़ी को छोड़ दें। भगवान विष्णु ने कहा है, इस प्रकार जो वृषोत्सर्ग करता है मैं सदा उसे वर प्रदान करता हूँ और प्रेत को मोक्ष प्रदान करता हूँ। अतः वृषोत्सर्ग कर्म अवश्य करना चाहिए। अपनी जीवित अवस्था में भी वृषोत्सर्ग करने पर वही फल प्राप्त होता है। पुत्रहीन मनुष्य तो स्वयं अपने उद्देश्य से वृषोत्सर्ग करके सुखपूर्वक परम गति को प्राप्त करता है। कार्तिक आदि शुभ महीनों में सूर्य के उत्तरायण होने पर शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष की द्वादशी आदि तिथियों में, सूर्य चंद्र के ग्रहण काल में, पवित्र तीर्थ में, दोनों अयन संक्रांतियों मकर कर्क में और विषुवत संक्रांतियों मेष तुला में वृषोत्सर्ग करना चाहिए। शुभ लग्न और मुहूर्त में पवित्र स्थान में समाहित चित्त होकर विधि जानने वाले शुभ लक्षणों से युक्त ब्राह्मण को बुलाकर जप होम तथा दान से अपनी देह को पवित्र करके पूर्वोक्त रीति से सभी होम आदि कृत्यों का संपादन करना चाहिए। शालग्राम की स्थापना करके वैष्णव श्राद्ध करना चाहिए। तदंतर अपना श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दान दें। हे पक्षिन, अपुत्रवान अथवा पुत्रवान, जो भी इस प्रकार वृषोत्सर्ग करता है उस वृषोत्सर्ग से उनकी सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। अग्निहोत्र आदि यज्ञों से और विविध दानों से भी वह गति नहीं होती जो वृषोत्सर्ग से प्राप्त होती है। बाल्यावस्था, कौमार, पौगंड, यौवन और वृद्धावस्था में किया गया जो पाप है वह सब वृषोत्सर्ग से नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। मित्रद्रोही, कृतघ्न, सुरापान करने वाला, गुरुपत्नी गामी, ब्रह्म हत्यारा और स्वर्ण की चोरी करने वाला भी वृषोत्सर्ग से पाप मुक्त हो जाता है। ये लोग महापापी कहे गए हैं। इसलिए हे गरुड़, सभी प्रयत्न करके वृषोत्सर्ग करना चाहिए। तीनों लोक में वृषोत्सर्ग के समान कोई पुण्य कार्य नहीं है।
पति और पुत्र वाली स्त्री यदि उन दोनों के सामने मर जाए तो उसके उद्देश्य से वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिए, अपितु दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हे गरुड़, जो व्यक्ति वृषोत्सर्ग वाले वृषभ को कंधे अथवा पीठ पर भार ढोने के काम में प्रयोग करता है वह प्रलय पर्यंत घोर नरक में निवास करता है। जो निर्दयी व्यक्ति मुट्ठी, मुक्के अथवा लकड़ी से वृषभ को मारता है वह एक कल्प तक यम यातना को भोगता है। इस प्रकार वृषोत्सर्ग करके सपिंडीकरण के पूर्व षोडश श्राद्धों को करना चाहिए। वह मैं तुमसे कहता हूं, मृत स्थान में, द्वार पर, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में और अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंड प्रदान करके 10 दिन तक दशगात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। यह प्रथम मलिन षोडशी श्राद्ध कहा जाता है और दूसरा मध्य में किया जाने वाला मध्यम षोडशी कहा जाता है। उसके विषय में तुमसे कहता हूं, मध्यम षोडशी में मलिन षोडशी की भांति ही 16 पिंड होते हैं। पहला पिंड भगवान विष्णु को, दूसरा शिव तथा तीसरा सपरिवार यम को प्रदान करें। चौथा पिंड सोमराज, पांचवा हव्यवाह, हव्य को वहन करने वाली अग्नि, छठा कव्यवाह, कव्य वहन करने वाली अग्नि तथा सातवां पिंड काल को प्रदान करें। आठवां पिंड रुद्र को, नवां पुरुष को, दसवां प्रेत को और 11वां पिंड विष्णु को प्रदान करें। 12वां पिंड ब्रह्मा को, 13वां विष्णु को, 14वां शिव को, 15वां यम को और 16वां पिंड तत्पुरुष के उद्देश्य से देना चाहिए। हे खग, तत्वविद लोग इसे मध्यम षोडशी कहते हैं। तदंतर प्रतिमास के 12 पाक्षिक, त्रिपाक्षिक, उन्षाण मासिक और उनाब्दिग इन श्राद्धों को उत्तम षोडशी कहा जाता है। इनके विषय में मैंने तुम्हें बताया है। हे गरुड़, इनको 11वें दिन चरु बनाकर करना चाहिए। ये 48 श्राद्ध प्रेत तत्व को नष्ट करने वाले हैं। जिस मृतक के उद्देश्य से ये 48 श्राद्ध किए जाते हैं वह पितरों की पंक्ति के योग्य हो जाता है। इसलिए पितरों की पंक्ति में प्रवेश दिलाने के लिए षोडश त्रयी, मलिन, मध्यम तथा उत्तम षोडशी करनी चाहिए। इन श्राद्धों से विहीन मृतक का प्रेतत्व सुस्थिर हो जाता है और जब तक षोडश त्रय संजक श्राद्ध नहीं किए जाते तब तक वह प्रेत अपने द्वारा अथवा दूसरों के द्वारा दी गई कोई वस्तु प्राप्त नहीं करता। इसलिए पुत्र को विधान पूर्वक षोडश त्रयी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति के उद्देश्य से इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की अर्धदेहिक क्रिया, छयाह श्राद्ध तथा पाक्षिक श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। जो स्त्री पति के उपकार अर्थ पूर्वोक्त श्राद्धों का अनुष्ठान करने के लिए जीवन धारण करती है और मरे हुए अपने पति की श्राद्ध आदि रूप से सेवा करती है वह पतिव्रता है और उसका जीवन सफल है। यदि कोई प्रमाद से, आग से जलकर अथवा जल में डूबकर मरता है उसके सभी संस्कार यथाविधि करने चाहिए। यदि प्रमाद से, स्वेच्छा से अथवा सर्प के द्वारा मृत्यु हो जाए तो दोनों पक्षों की पंचमी तिथि को नाग की पूजा करनी चाहिए। पृथ्वी पर पीठी से फण की आकृति वाले नाग की रचना करके श्वेत पुष्पों तथा सुगंधित चंदन से उसकी पूजा करनी चाहिए। धूप और दीप देना चाहिए तथा पान और तिल चढ़ाना चाहिए। कच्चे आटे का नैवेद्य और दूध अर्पित करना चाहिए। शक्ति के अनुसार सुवर्ण का नाग और गौ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। तदंतर हाथ जोड़ करके नागराज प्रसन्न हो इस प्रकार कहना चाहिए। पुनः उन जीवों के उद्देश्य से नारायण बलि की क्रिया करनी चाहिए। ऐसा करने से मृत व्यक्ति सभी पातकों से मुक्त हो स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार संपूर्ण क्रिया करके 1 वर्ष तक अन्न और जल से सहित घट का दान करना चाहिए अथवा संख्या अनुसार जल के सहित पिंडदान करना चाहिए। इस प्रकार 11वें दिन श्राद्ध करके सपिंडीकरण करना चाहिए और सूतक बीत जाने पर शय्यादान और पददान करना चाहिए।